फ्राइडे को हमने देखा था कि मार्केट में एक अच्छी खासी अप मूव आई, और मैंने आपको अभी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बताया था कि 11,055 के ऊपर निकलता है तो मार्केट को बाय करिए। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 11,150 से 11,180 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको यकीन नहीं हो रहा गाइस, तो और मैं चार्ट में भी आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्ट वो लेवल्स मैंने आपको क्यों बताया और क्या रीजंस था उसका। सो गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम अभी करेंगे चार्ट पे, जब हम 5 स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर देंगे गाइस। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने देखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ, हम देख सकते हैं कि FIIs के साथ जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करी, पर उन्होंने सिर्फ, और फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी बात सुनी सारी और कोई कमेंट पास नहीं करा। उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ नहीं कहा कि हम कम करेंगे नहीं करेंगे, पर उन्होंने बस उनकी सारी बातें सुन ली है। सो गाइज, ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने बात तो सुनी है, पर अब वो उसके ऊपर अमल कब करते हैं वो देखना है। शायद इसी हफ्ते के अंदर वो अमल कर भी लेंगे गाइज। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है हमें देखने को मिली है कि कम से कम एक महीने से हम देख रहे थे कि FII हर दिन सेलिंग कर रहे थे, हर दिन हम FII की बिकवाली देख रहे थे कैश मार्केट के अंदर, और कल फ्राइडे के सेशन के अंदर हमने देखा कि FII ने इतने टाइम बाद जाके सिर्फ बाइंग करी है गाइस। कैश मार्केट में उन्होंने बाइंग करी है, तो मुझे लगता है कि FII पे अब वापस इंडियन मार्केट में भरोसा जानने लगा है, और उन्हें भरोसा है कि शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जो टैक्स रेट है, जो सुपर रिच टैक्स लगाया गया है FPI पे, वो शायद कम कर देगी या हटा देगी या ऐसा कुछ प्रोसीजर लगाएगी कि उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। सो गाइस, सबसे पहली बाइंग हम देख रहे हैं 1.5 महीने के बाद FII की। सो गाइस, मुझे लगता है कि कल मार्केट एक अच्छाल दे सकती है। उसके साथ साथ अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो ज़्यादातर सब कुछ सही लग रहा है, पर US इकोनॉमी में, और अगर हम बाहर की इकोनॉमी की बात करें और बाहर के मार्केट्स की बात करें, तो वो थोड़े बहुत अंडरलाइन है, वीक है, तो उसके हिसाब से हमारी मार्केट भी थोड़ी बहुत रिएक्ट कर सकती है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इंडियन रुपी गाइस, दोबारा गिर गया है, 71 के आसपास आने वाला है, 70.935 चल रहा है गाइस। सो अगर वो कमज़ोर होने लग जाता है गाइस, तो ये हमारी मार्केट के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट 3-4 दिन से ज़्यादातर इंडियन रुपीज़ के वजह से ही चल रही है। जिस तरीके से इंडियन रुपी मोमेंटम दिखा रहा है, उस वजह से ही हमारी मार्केट सस्टेन कर रही है। सो गाइस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि ये 5 स्टॉक्स कौन से हैं, फिर बढ़ेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। येस बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी। हमने देखा था कि येस बैंक ने अच्छी खासी गिरावट आई थी, हमें पता था कि येस बैंक के अंदर एक QIP आया है, QIP लेकर आई है, प्राइस जो लेकर आई थी वो 88-87 के समथिंग के आसपास लेकर आई थी, और हमने देखा था उसके नीचे जाके वो गिर गया था। सो गाइस, हमने देखा था कि येस बैंक जो था, कुछ हम पिछले ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो येस बैंक बहुत अच्छा खासा बढ़ गया था, 78 से हमने देखा था कि उसमें 100 रुपये तक की भी मूवमेंट आ गई थी गाइज कुछ टाइम से, तो अब एक प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें जारी थी, प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो मुझे लगता है कि एक दोबारा बाय काउंटर बन गया है, 79-78 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 84-87 का कर सकते हैं। रेपको होम बाय करने की सलाह दी जाएगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि रेपको होम को आप इस एक्सपायरी या 2-3 महीने के लिए अगर आप बाय करके चलेंगे, तो ये आपको 400 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करा के दिखा सकता है, अगर ये 315 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में 2 या 3 दिन बंद हो जाता है। तो गाइस, 311-312 के ऊपर बाय करिए, 314 से लेकर 319 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 306 का लगा के चलना है, जब 311 के ऊपर जाता है तब। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बाय करने की सलाह दी जाएगी। 505 करंट लेवल प्राइस है। मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत डिप मिले आपको कल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, तो बाय करके चलिए, जो इसके टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 509 से 519 तक के एक्सपेक्ट कर सकता हूं। क्लोजिंग बेसिस में जब मार्केट बंद होने वाली होगी, मुझे लगता है कि ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर देगा, शायद इससे ऊपर भी बढ़ सकता है। क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस आपको 488 का लगा के चलना पड़ेगा गाइस। M&M बाय करने की सलाह, 320 के ऊपर आपको बाय करना है M&M को, 326-331 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ M&M के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 313 का मेंटेन करके गाइस रखना पड़ेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय करने की सलाह दी जाएगी गाइस आपको। आपको करंट लेवल सही नहीं दिख रहा होगा गाइस, करंट लेवल इसका 772 के आसपास चल रहा है, 775 के ऊपर आपको बाय करना है, 782-790 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 762 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
गाइस अगर आप मेरे, जब से मैंने आपको ये बताया है अपने यूट्यूब चैनल पे कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, अगर आप जुड़े हुए होते तब से, और जो भी मैं कॉल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितनी कॉल्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आपने उसमें एक भी कॉल्स में अगर आपने ट्रेड लिया होता, अगर आप मेरे हिसाब से चले होते उन पे, तो गाइस आप अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते। गाइस अभी भी 5 दिन है, 15 अगस्त को लास्ट है, तब तक मैं आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ट्रायल बेसिस के अंदर, जिन लोगों को लगता है, उसके बाद जो मेरा इंडिपेंडेंस डे सॉरी सो गाइस जो मेरा ऑफर था वो स्टिल वैलिड रहेगा 15 अगस्त तक। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हुई है एक बार गाइस, तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वो लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको लिंक शो कर रहा है, आप जाके एक बार सर्च करिए टेलीग्राम पे ट्रेड डीलर्स, वहाँ पर ज्वाइन हुई है, आप सारी चैट पढ़ सकते हैं, सारे पास्ट की हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी कॉल्स प्रोवाइड कराई हैं, किस तरीके से हमने टारगेट अचीव करे हैं। गाइस गाइस दूसरी बात यह है कि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, अब मार्केट हो गई है बाय ऑन डिप्स के लिए, कब तक के लिए हो गई है वो मैं आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सो गाइस मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो ऑब्वियसली आपको पता है मैं बनाता हूँ, और मैंने सिर्फ 3 ट्रेंड लाइंस बनाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फिबोनाची को आराम से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप देख सकते हैं कि 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ गोल्डन रेशियो आप देख सकते हैं गाइस, ये है गोल्डन रेशियो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल। मार्केट को आप देख सकते हैं निफ्टी को यहाँ पर 4 से 5 दिन कंसोलिडेट करा, जो कि था इसका लो 10,780 का लेवल, यहाँ आप देख सकते हैं 10,780 के लेवल पे ये कंसोलिडेट करते रहा गाइस, और उसके बाद हमने एक अपमूव देखी, अपमूव देखने के बाद हमने देखा था कि थर्सडे के सेशन में इसने क्या करा था, 50 दिन का 50% का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है वहां पर जाके इसने हाई मारा, वहां से हमने एक फॉल देखने को मिली, और फॉल हमने देखा था कि 11,064 का हाई मारा था, और क्लोजिंग जो उसमें देखने को मिली थी वो 11,030 के आसपास देखने को मिली थी। सो गाइस जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल को क्लोजिंग मार्केट ओपन होते ही क्रॉस कर दे, आपको तुरंत बाय कर लेना है गाइस, और हमारा पहला टारगेट होगा जो अपर, आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि 11,140 है, और जो ऊपर जो आपको दिख रहा है जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है 11,180 का। मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया था कि एग्जैक्ट ये लेवल्स मुझे लगता है कि टेस्ट हो सकते हैं, और दूसरा रीजन क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पर एक बार ये सपोर्ट ले चुका है, दूसरी बार सपोर्ट ले चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सपोर्ट ले चुका है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, इस तरीके से हमने ये 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इसका प्रीवियस स्विंग लो था, हमने देखा था प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर जाने में कामयाब तो हुआ पर उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी उसने, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी निफ्टी के अंदर। अब मैं आपको एक और बात दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि 61% जो 10,880 का लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल था 11,055 वो मार्केट ने इसके ऊपर निकल गया, तो जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट बन चुका है गाइस, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि 11,300 के आसपास लाता है, जो कि मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर शायद 11,300 के लेवल को भी अचीव कर जाए गाइस। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जो कि सारे टॉप्स को मिलाते हुए आई है, और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन पे इसने हाई मारा और वहां से हमने एक गिरावट देखी। सो गाइज आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक यहाँ पर सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, साथ में 200 दिन का मूविंग एवरेज, साथ में सारे रेजिस्टेंस के ट्रेंड हाइज को मैं जोड़ते हुए आ रहा हूँ, तो ये तीन चीजें हमें बताती है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 11,180 11,160 के आसपास, वहां पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी, और जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें बाय नहीं करना, या फिर जब तक हमें एक डिप नहीं मिलती है तब तक हम बाय नहीं करेंगे, हमारा एक अल्टीमेटली स्टॉप लॉस जो होगा वो 10,880 का होगा, कोई भी टिप मिले आपको इस ट्रेंड लाइन, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के अगर आपको आसपास मिलती है या 50% के आसपास मिलती है तो बाय करिए निफ्टी को। टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जो चार्ट हमें बता रहे हैं वो है 11,300 के लेवल। दूसरी बात गाइस अर्ली चार्ट में मैं आपको एक बार लेकर जाना चाहूंगा, अर्ली चार्ट में आप सारी ट्रेंड लाइन सब कुछ भूल जाइए, आपसे पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए, हमने देखा था इंडेक्स यहाँ से गिरा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे गया हाई मारा और प्रीवियस लो को इसने तोड़ दिया, ऊपर गया अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा पाया और उल्टा प्रीवियस लो को फिर तोड़ दिया, फिर हमने देखा एक अपमूव आई, फिर प्रीवियस हाई को आप देख सकते हैं कि लोअर हाई बन रहे हैं, देख सकते हैं कि लोअर हाई बन रहे हैं और साथ में लोअर लो भी बन रहे हैं, तो यानी कि ये एक बियरिश
मार्केट होती है। बियरिश स्टॉक या बियरिश इंडेक्स तभी कहलाया जाता है जब वो लोअर लो लोअर हाई मारता है। अब आप देख सकते हैं कि अब क्या हुआ। अब आप देखिएगा गाइस, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो को तोड़ा, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, प्रीवियस लो को तोड़ा, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। प्रीवियस लो क्या नहीं क्या था, 10,780 का लेवल, जो मैंने आपको बताया एक मेजर सपोर्ट का काम करेगी। आप देख सकते हैं कि कम से कम ये कौन सा महीना है, मई। आप देख सकते हैं कि मई के महीने से, मई की स्टार्टिंग से हम देख रहे थे कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई मार रही थी, और अब क्या हुआ, एक्सीडेंटली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट दी और वहाँ से एक अपमूव दी, और उसने 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन को, जो 4 दिन की हाइस थे, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देने में कामयाब कर दी। सो गाइस, अगर निफ्टी अब यहाँ से डिप देती है, डिप देने के बाद अगर वो 11,000 के आसपास आती है, तो आपको स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है, ये प्रीवियस स्विंग लो जो कि 10,830 का लेवल है, 10,830 के लेवल के आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, उसके बाद आप बाय करके चलिएगा, तो मुझे लगता है कि अब हायर हाईज हायर लोज का ये फॉर्मेशन बनाना निफ्टी शुरू कर देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, इतने टाइम से प्रीवियस हाई को तोड़े जा रहा था, और उल्टा 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशन के हाईज को जाके इसने ब्रेक कर दिया। सो गाइस, अब आपको लोअर अगर आपको निफ्टी नीचे मिलता है तो बाय करिए, ये मत सोचिए कि निफ्टी 2-3 दिन ऊपर बढ़ गया तो अब दोबारा नीचे गिर जाएगा, अपने नए लो में चले जाएगा, नहीं, बाय करिए, एक रिस्क लीजिए और बाय करके चलिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये देकर जाएगा। गाइस, दूसरी बात मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, investing.com ये वेबसाइट है, आपको सब पता ही होगा कि कितनी फेमस वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट दिख जाते हैं, यहाँ पर अगर आप फ्लैग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स दिख जाएंगे। गाइज, ये इंडिया का स्टॉक मार्केट है, तो आप देख सकते हैं कि आप हल्का सा यदि नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आता है एनालिसिस एंड कमेंट्स का सेक्शन। सो गाइज, ये एक एडिटर चॉइस की पिक्स होती हैं कि यहाँ पर कौन से हम अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि टॉप इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज फॉर ट्यूजडे अगस्त थर्सडे 13 जो मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट जो एक्चुअल मैंने आपको बताया है वही एग्जैक्ट ऑन पेपर रिपोर्ट मैं investing.com पे शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पर उन लोगों ने अपलोड कर दी है और सब लोग जाके देख चुके हैं। गाइज, आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रॉल करते ही नीचे मेरा सबसे ऊपर आपको फ्रंट में मेरा नाम दिख जाएगा, क्योंकि एडिटर चॉइस होती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है investing.com के एडिटर के ऊपर कि किसका यहाँ पर रिपोर्ट सबसे ऊपर 4 शो करेंगी, तो उसमें से एक मेरी थी गाइज, थैंकफुल। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ गाइज, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। गाइस, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके साथ मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं गाइस, कि ये है जहां पर मैं कंटेंट लिखता हूं और जहां पर वो लोग अप्रूव्ड करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं HDFC की डिटेल टेक्निकल एनालिसिस डाल चुका हूँ, पूरे चार्ट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें हम देख सकते थे कि यहाँ पर कितने लोगों ने विजिट्स करा है, 75 लोगों ने विजिट्स करा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी टेक्निकल डाल चुका हूँ, 38, ये डिक्लाइन हो गई थी मारुति की, पता नहीं क्यों मारुति की डिटेल्ड एनालिसिस ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी अभी तक मारुति की मैंने दोबारा डाली तो पेंडिंग है। कल के लिए भी मैंने डाली थी फ्राइडे के सेशन के लिए गाइस, फ्राइडे के सेशन पे भी 187 लोगों ने व्यू करा, और जो मैंने कल डाली है यानी कि जो 13 अगस्त को जब ट्यूजडे को मार्केट ओपन होगी, तो आप देख सकते हैं कि 4,000 लोगों से ज़्यादा लोग विजिट कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों को जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो लोगों को बेनिफिटेड लग रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ मैं US स्टॉक मार्केट पे भी अभी अपनी एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको सारा टेक्निकल बताता हूँ, वहाँ पर मैं आपको सारा फंडामेंटल बताऊँगा, एक्चुअल फर्म की, एक्चुअल पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू आपको बताई जाएगी, और ये बताया जाएगा कि एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस करके कि स्टॉक की फेयर वैल्यू या अभी करंट फेयर वैल्यू क्या है। अगर कोई स्टॉक जैसे वॉलमार्ट 109 में ट्रेड कर रहा है, तो जैसे उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू 136 है, सो वो कैसे आई है, वो सारा चीज़ आपको सिखाई जाएंगी कि आपको कभी भी किसी का सहारा लेने की जरूरत ना पड़े और आप अच्छा खासा पैसा कमाएं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि यह मेरी खुल गई है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निफ्टी का व्यू डाला है, निफ्टी की व्यू के साथ मैंने लाइमलाइट सेक्टर, कौन से सेक्टर्स हैं जो मार्केट जब ओपन होगी तो ये सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म या बहुत ज़्यादा चल सकते हैं, साइड बाय साइड जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए यहाँ स्टॉक्स आपको शो कर गए होंगे।
या निफ्टी का चार्ट पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा। मैं दो बार डाल चुका हूँ, मैं एक बार अब मैंने मेल कर दिया उन्हें, वो बता देंगे गाइस जैसा भी होगा। मेरे चार आर्टिकल्स आ चुके हैं, आप जाके जरूर देखिए, फॉलो करिए, शेयर करिए investing.com पे गाइस, और मेरा भरोसा बनाए रखिएगा। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और गाइस मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली नई वीडियो के साथ।